हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। फिर आ गया हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग तो क्या ही बोले दोस्तों, बस मौसम की अपडेट देनी थी थोड़ी सी आप लोगों के लिए कि हिमाचल में जो है तबाही का मंजर काफ़ी दिनों से चल रहा है और कल दो दिनों की बारिश ने बहुत ज़्यादा स्थानों पर इतनी बारिश कर दी है कि इतनी ज़्यादा भूस्खलन हुआ कि क्या ही बोलें यार। हम खुद यार अब ऐसे ही डर के साए में जी रहे हैं दोस्तों, ऐसा ही है। बाकी जो भी रहेगा दोस्तों, कर लेते हैं दिन की शुरुआत यहीं से ही, मॉर्निंग से ही। तो चलिए मेरे साथ, जा रही है? हाँ। ठीक है, बाय बाय कर दो। ठीक है फिर, है ना, आराम से जाएं। और दोस्तों ये इतनी शर्मीली है ना, जैसे मैं कैमरा ऑन करता हूँ बस ऐसी भागती है कि क्या ही बोले। नो 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 नो, दोस्तों आज है 12 अगस्त और कई दिन से बारिश लगी हुई है और सोच रहा था मैं कि यार चलो व्लॉगिंग चैनल कंटिन्यू रखा जाए या नहीं रखा जाए। ऐसे तो हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर सकता हूँ, पर डे भी आप वीडियो डाल सकता हूँ, लेकिन फिर अब पब्लिक चाहती क्या है, क्या देखना चाहती है, फिर उनको प्रेजेंट करना बहुत ही मुश्किल काम है यार। अच्छा। क्योंकि मुझे मन ही नहीं करता है यार वीडियो डालने का, काफ़ी दिनों बाद मैं डाल रहा हूँ ये वीडियो। बाकी आगे की जर्नी कैसी रहेगी, सब परिवार से जब बन जाता है ना तो ऐसा नहीं मुनासिब नहीं हो पाता है बाहर जाकर ब्लॉगिंग करना। क्योंकि कोशिश तो मैं भी ये करता हूँ कि चलो बाहर जाऊँ और नई नई जगह दिखा पाऊँ आप लोगों को, लेकिन वो मुनासिब नहीं है मेरे लिए। ऐसे सोचता हूँ यार, पता नहीं ये YouTube का सफ़र मेरे लिए पता नहीं कब तक है, और दोस्तों जब तक है आप लोग हैं तो शायद रहेगा ही। कोशिश करूँगा हफ्ते में एक तो वीडियो लाने की। सो बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों कम से कम ज़्यादा नहीं तो 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं बारिश को लगे हुए। अब ये तो पता नहीं है कब तक रहेगा मौसम ऐसा ही, और बहुत ज़्यादा तबाही कर चुका है इस टाइम बारिश, बहुत ही ज़्यादा। शिमला मॉर्निंग में, आज मंडे का ही दिन है दोस्तों, सुबह शिव दर्शन करने गए थे लोग, तो वहाँ काफ़ी लोग दबे होने की संभावना कह रहे हैं लोग, सभी समाचार देख रहा था मैं भी टीवी पर, तो बहुत ही ऐसा डसल बैठता है ना, देखो क्या हो गया पता नहीं, अब आगे क्या करने वाला है भगवान, कोई पता नहीं है। तो मैंने इसके अंदर जो है मसाले हमने जो भी होते हैं प्रोसेस होता है मैंने सब में भर दिया है, उसके बाद हम अब इसमें तलेंगे दोस्तों। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनते हैं ऐसे, कई लोग तो इसमें सोतलियाँ बांधते हैं ना भी मसाला बाहर ना गिरे, हमने इस तरीके से इसको डाला है कि बिल्कुल भी आगे बाहर नहीं गिरेगा। तो इस तरीके से भरवा करेले की रेसिपी तैयार हो जाती है दोस्तों। दोस्तों ये पक्कर हो गए हैं रेडी लाजवाब, और आप इनको गरम गरम चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये आ गई है दरार, ये देख सकते हैं आप, मतलब इस जो ये एरिया है ये सब जाने वाला है नीचे। और दोस्तों बहुत दिन हो चुके हैं, अब ट्रेनें भी नहीं आ रही क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड इतना ज़्यादा हो गया कि भारी मात्रा में, मतलब मुझे नहीं लगता कि अब कई महीनों तक ट्रेन चलेगी शिमला के लिए। हालात में आपको दिखाता हूँ आगे, जो टनल 100-150 साल पुरानी जो टनल है ना, वो कभी उसमें पानी ऐसे मतलब बूंदे नहीं गिरती थी कभी ना, वो भी आज दिखाता हूँ मैं कुछ, यार डर ही लगता है देख कर भी। दोस्तों ये टनल है और आप देख रहे होंगे सारा पानी की बूंदे दिख रहे हैं आप, मतलब आगे तक ना ये ऐसे ही गिर रहा है इसमें। और ले चलता हूँ आगे आपको, ये देखिए ऊपर आप, कभी यार ये सोचा भी नहीं था ऐसे, मतलब इस तरह का है तो पक्का ही है, लेकिन कब तक सहन करेगा भैया जी। जल्दी जल्दी निकल जाता हूँ क्योंकि पूरी टनल में पानी आ गया है, पूरे टनल में।
दीवारें सारी गिल्ली हो गई हैं। और जैसे मौसम की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से है। दोस्तों क्या ही बोलूँ, बस ऐसे ही आए, यही था छोटी सी वीडियो थी, फिर मिलूंगा एक और नए सफर के साथ दोस्तों, तब तक दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद दोस्तों, जय भोले शंकर की।